भ्रष्टाचार और बिगड़ती कानून व्यवस्था के मुद्दे पर वर्तमान हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ दुमका के फूलो झानो चौक पर भाजपा 5 दिवसीय सत्याग्रह पर बैठ गई है। पूर्व समाज कल्याण मंत्री लुईस मरांगी के आह्वान पर संथाल परगना के कई भाजपा विधायक सहित भाजपा नेता और कार्यकर्ता इस सत्याग्रह आंदोलन में शामिल हैं। दुमका जिले में चल रहे अवैध बालू कोयला और पत्थर कारोबार और बिगड़ती कानून व्यवस्था की समस्या को लेकर इस सत्याग्रह आंदोलन में सारठ और चंदन क्यारी से बीजेपी के विधायक सत्याग्रह को समर्थन देने पहुंचे। वहीं लुईस मरांगी ने झारखंड सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। जनता के सामने इस सत्याग्रह के माध्यम से बताना चाहते हैं कि यह सरकार का कथनी और करनी में कितना अंतर है। जब वो समय उनका आता है तो आपसे किस तरह से आपको दिग्भ्रमित करके, आपको बरगला करके, आपको खरीद के पैसा दे के आपसे वोट लेता है और उस वोट से वो शीर्षस्थ कुर्सी पर बैठता है, फिर आप ही के ऊपर डंडा चलाने का काम करता है। तो वहीं सारठ बीजेपी विधायक रणधीर सिंह ने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार बनने के बाद अवैध कारोबार संथाल परगना में खुलेआम चल रहा है। मैं आने वाली सरकार आज अपने मूल विषय से भटक गई है और कोरोना काल में कोरोना का बहाना लेके अवैध पत्थर बालू कोयला की अवैध तस्करी यहाँ पर करवा रही है। और इतना ही नहीं, इससे ज्यादा बढ़ चढ़ कर आप देखें तो ट्रांसफर पोस्टिंग का एक व्यापार उद्योग चल पड़ा है। यहाँ कोई भी अधिकारी जो 6 महीने से ज्यादा यहाँ पर उनको काम नहीं करने दिया जाता, जब अधिकारी आते हैं समझते हैं इसी बीच में उनका जो है पैसे के लेन देन लेकर और उनका जो है एक व्यापार बनाकर उनका ट्रांसफर पोस्टिंग चलाया जा रहा है। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।